कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के चलते दिन ब दिन गुलबर्गा नॉर्थ जेडीएस कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद की मकबूलियत और सपोर्ट में इजाफा होता जा रहा है। हर जगह होटल, चौराहे, बाजार और दीगर अवामी जगहों पर नासिर हुसैन उस्ताद की काबिलियत और मिल्ली मसाइल को लेकर इनकी आवाज़ की तारीफ की जा रही है। फैसल फंक्शन हॉल में गुलबर्गा मैकेनिक्स एंड मोटर एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, मौलाना वखार अशरफी, नसीर मौलाना मोहम्मद शफी कलीम एडवोकेट, अब्दुल खय्यूम लातुरे, मंसूर पटेल, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद खलीलुद्दीन के अलावा मैकेनिक्स एंड मोटर एसोसिएशन के जिम्मेदार मौजूद थे। तमाम लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को कबूल कर गुलबर्गा शहर के अवाम से नासिर हुसैन उस्ताद को असेंबली इलेक्शन में जिताने की गुजारिश की है। This video presented by Barker's Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. सबको धूल चटाएगा, आंखियां फोड़ेगा उसके, आंखियां फोड़ेगा उसके जो खामोश आंख दिखाएगा, आंखियां फोड़ेगा उसके जो खामोश आंख दिखाएगा, इज्जत से जीना सिखाएगा जीना सिर्फ उस्ताद, भी नहीं घबराएगा जीना सिर्फ उस्ताद। पाँच साल से इख्तदार में रहने के बावजूद भी मोहतरमा ने वो काम नहीं किया जो नासिर हुसैन उस्ताद ने काम किया, तो वक्त है कि उनको उनका मेहनताना यानी उनकी ईमानदारी का सिला, उनकी मेहनतों का काविशों का सिला आपको 10 तारीख के दिन 3 नंबर पर भारे वाली औरत के बटन पर हाथ दबा करके उनको देना है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ 10 बज रहे हैं, तो अभी हमारे सभी लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि और एक मरतबा ताकि मजबूती आए। मौलाना ने तो एक बार तारीख का ऐलान किया है, फिर से हम मजबूती के साथ और एक मरतबा हम नासिर हुसैन उस्ताद के नाम का या तारीख का ऐलान करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो वोटर्स हैं और जो शहर में एक अच्छा पैगाम जाएगा। मैं आप तमाम हजरात से फिर एक बार वोटर एसोसिएशन के जुम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि दोनों हाथ उठाकर आप उनकी तारीफ का ऐलान करेंगे तो बहुत मुनासिब रहेगा। हम मैकेनिकों की तरफ से ये गुजारिश है कि नासिर उस्ताद एक ऐसे लीडर हैं कि सेकंड खमर इस्लाम साहब के सर के हैं, कभी भी एनी टाइम हमारे लिए कभी भी हाजिर हैं, वाकई में लीडर हैं कि हम उनको जो है ना जिता के लाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। हमारे लेडी जो भी माँ बहना जो भी हैं उनसे भी ये इतला करिए कि आप नासिर उस्ताद को 3 नंबर पे जिता के लाइए। मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा नाम मंसूर पटेल है, मेरी गैरेज है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए एक बेहतरीन लीडर पहले से जैसे कि काम करते थे हम खमर साहब के दौर में, उसी तरह इंशाल्लाह इस बार नासिर उस्ताद को चुनने का फ़ैसला किए हैं। वो इसलिए कि उन्होंने कन्नड़ा बात करने भी माशाल्लाह, और हमारे लिए नौजवान आदमी है, आगे कुछ और 20-25 साल के लिए भी काम करने के लिए इंशाल्लाह उन्होंने जैसे तैयार हैं।
और दूसरी बात कहीं हमारे साथ खड़े रहने में भी कोई कारोबार की वजह से कोई है तो ले जाकर कुछ काम कर ले बता सकते हैं, हम कुछ काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह सबसे रिक्वेस्ट है कि नासिर उस्ताद को इंशाल्लाह आप तमाम वोट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, हम सब मिल जुल कर हम इस ये काम करना है कि हम सब अपना घर का काम है बल्कि करना है, सब 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 मिलकर अपना जैसा घर का काम करते हैं, हम सभी जितने भी हजरात यहाँ आकर बैठे हुए हैं सब मिलजुल कर हम जैसा जिम्मेदारी से जो काम करते हैं अपना घर का काम समझ कर करना है। इस बार नासिर उस्ताद को अगर जीत के लेंगे इंशाल्लाह 25 साल तक उनका इसी रेगुलर रहेगा इंशाल्लाह। अब मोटर लाइन के लिए सपोर्ट रहेगा, इलेक्ट्रिशियन लाइन के सब रहेंगे, मोटर लाइन जितने भी काम के जो वर्कर्स है सबके लिए सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह। आज जो जलसा हुआ है नासिर साहब के ताइज में हुआ है, क्या तमाम हम लोग एसोसिएशन मोटर लाइन के जो है ना नासिर साहब को जो है ना वोट करने के लिए जमा हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर मोटर लाइन का जो है पूरे आदमी आए सो थे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इंशाल्लाह हमारा फुल सपोर्ट नासिर हुसैन उस्ताद को रहेगा और जो भी है सो दूसरे पार्टियों को वोट डालने का देख रहे हैं वो ना डालें बल्कि नासिर उस्ताद को एक तरफा जीता कर लाएँ। इंशाल्लाह अज़ीम बहुत ही ऐतिहासिक जीत रहेंगी इंशाल्लाह अज़ीम नॉर्थ के नासिर हुसैन उस्ताद की। मैं हमारे मोटर लाइन और गंज लाइन के जो जिम्मेदार जो भी आए हमारे बोलने पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इसी तरह हमारा साथ दीजिए और नासिर हुसैन उस्ताद को इंशाल्लाह इस बार कामयाब करके लिखाना है। देखिए हमारे कौम के लिए जो बेहतर लीडर है हमको उसको चुनना है, पार्टी उन्हें देखना है, हमको नासिर हुसैन उस्ताद को इस बार लिखाना है। अस्सलाम वालेकुम। नासिर उस्ताद को वोट डालो। ट्रांसपोर्ट वाले की तरफ से नासिर उस्ताद जिंदाबाद। हम नासिर उस्ताद की तरफ से आए हैं, नासिर उस्ताद को वोट देकर जिताएंगे इंशाल्लाह। क्या यहाँ जितने भी लोग जमा हो गए हैं नासिर उस्ताद को जिताने के लिए जमा हो गए हैं इंशाल्लाह, पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जिताने के लिए। यहाँ पर सब जमा होने का मकसद यही है कि नासिर उस्ताद को जिताना है इंशाल्लाह फुल लीड से। ये बार नासिर उस्ताद को एक मौका दीजिए, एक चांस देकर देखिए इंशाल्लाह आपके जो भी काम है पूरे पूरे फुलफिल होंगे इंशाल्लाह। एक बार सिर्फ एक बार मौका देकर देखिए इंशाल्लाह नासिर उस्ताद। नासिर उस्ताद को इंशाल्लाह जिताने की कोशिश कीजिए, हम सब मिलके ही कोशिश करना है। कोशिश तो कर रहे हैं और सब मेहनत भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। साथ ही साथ आप अपनी दुआओं में भी याद रखिए कि इंशाल्लाह नासिर उस्ताद जीतने के लिए इंशाल्लाह हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि नासिर उस्ताद को जिताने के लाने के लिए और लाएंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ और अपनी दुआओं में भी याद रखिए कि इंशाल्लाह नासिर उस्ताद जीते मुल्क। हम तमाम गुलबर्गा की आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार हम एक मजबूत कायद को चुने और नासिर हुसैन उस्ताद ही एक ऐसे वाहिद शख्स है जो हमारी मसलियत को हल कर सकते हैं और हमारे कुछ भी अगर मसाइल हों तो उनको हल कर सकते हैं। हम तमाम से ये अपील करते हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद को वोट देकर जिताएं। गुलबर्गा के नार तमाम को मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक मुक्तई होकर नासिर उस्ताद को इस बार जिता कर MLA कैंडिडेट जिताना है। इसलिए जिताना है कि हमारे आवाज़ हर आवाज़ में आवाज़ है, वो शख्स हर क्या भी अगर मसला रहा क्या भी चीज़ रही तो वो आवाज़ उठाता है। आप फिलहाल क्या बोल रहे कांग्रेस वाले, खमर साहब के बाद भी खमर साहब के साथ भी बोल रहे, फिलहाल खमर साहब के बाद थे, अब नासिर उस्ताद के साथ भी नासिर उस्ताद के बाद भी बल्कि 10 तारीख को अपना वोट कीमती वोट नासिर उस्ताद को जिता कर मुक्तई होकर नासिर उस्ताद को जिताइए।